Hello everyone, today we are going to talk about a very famous poem, Apparently with No Surprise. Apparently with No Surprise, Emily Dickinson di likhi hui kavita gi. Emily Dickinson edi poet hai. Emily Dickinson was an American poet. Emily Dickinson da jo janam si, oho America de vich hoya si. America de Amherst de vich, 1830 de vich inna da janam hoya si. Taan इन्होंने अपनी लाइफ के दौरान लगभग 1800 कवितावां लिखियां, पर जो पब्लिश हुई इन्होंने ज्योंदे जी वो सिर्फ 10 कवितावां ही सी, भाव कि इन्होंने ज्योंदे जी सिर्फ 10 कवितावां ही पब्लिश हुई. इन्हां दी पोइट्री दे विच सानू जिहड़े थीम्स मिलते हैं उन्होंने वरायटी बहुत ज़्यादा. एमिली टॉक्स अबाउट डैथ, शी टॉक्स अबाउट होप, शी टॉक्स अबाउट लव, शी टॉक्स अबाउट गॉड, भाव कि वह डैथ की मौत की गल करती आ, होप की भाव उम्मीद की गल करती आ, परमात्मा की गल करती आ, प्यार की गल करती आ, सैडनैस की गल करती आ. एमिली डिकिंसन नू नन ऑफ एमरेस्ट कहा जाता गा. ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ कि हु इज कॉल्ड नन ऑफ एमरेस्ट. तो नन ऑफ एमरेस्ट जिहड़ा एमिली डिकिंसन नू कहा जाता गा. तो हुण असीं इह पोएम करते हैं, इहदी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हैं. Apparently with no surprise to any happy flower, the frost beheads it at its play in accidental power. So, इस poem नू जड़ा शुरू किता गा Emily Dickinson ने, उन्हें शुरू दे बिच ही सानू दास्ता कि साड़ी जिंदगी दा normal घटना की आ. So, in the very beginning, she is talking about a normal occurrence or a natural occurrence, the beheading of a flower. कि अपनी जिहड़ी लाइफ आ इहदे च इक नॉर्मल जिहड़ी हैगी आ ते नैचुरल घटना जिन्हें होना ही होना गा. वह की आ, द बिहेडिंग ऑफ अ फ्लार, एक फ्लार का कतल, भाव के जिन्हों का जन्म होया गा उन्होंने जिहड़ी डैथ भी होनी तय आ. सो दिस इज समथिंग दैट हैपनस नैचुरली. ये वो घटना गी जिहड़ी सारयां दे नाल हुंदी आ. इत्थे जिहड़ा फ्लार आ, फ्लार इज़ अ सिंबल ऑफ लाइफ. फ्लार जिहड़ा ही जिंदगी का सिंबल आ, तो जिहड़ा फ्रॉस्ट आ ये डैथ का सिंबल आ. फ्रॉस्ट बीहैड कर देंदा गा लाइफ नू, है ना. मौत आ जिहड़ी वह जिंदगी नू खत्म कर देंदी आ. इहदे कोल एक पावर आ जिहड़ी कि जिसनू रोकिया नहीं जा सकता, ठीक है जी. सो फ्रॉस्ट डिस्ट्रॉयज़ द फ्लार. फ्रॉस्ट ने फ्लार नू खत्म कर देना गा. फ्लार हैगा सिंबल स्प्रिंग का, भाव के बसंत, जिन्हों असी थोड़ा जे होर डीप मीनिंग समझ की कोशिश करिए तो वह लाइफ ना जुड़ जाता गा. फ्लार मीनिंग इतने लाइफ का. फ्रॉस्ट जिहड़ा हैगा गा वह विंटर नू, विंटर का सिंबल हैगा गा. तो वह सानू उन्हों असी होर थोड़ा जा अगे जाके समझ की कोशिश करिए तो वह मौत दे नाल जिहड़ा उहदा मीनिंग जुड़ जाता गा. सो इन द फस्ट पैराग्राफ She says that जिन्हों का जन्म होया उन्हों की डैथ भी होनी है. जिस तरह एक फ्लार नू एक फ्रॉस्ट बी हैड कर देंदी है अपनी पावर दे नाल. In next three lines, she says that the blonde assassin passes on, the sun proceeds unmoved to measure off another day for an approving God. इत्थे जिहड़ा स्पीकर आ एमिली आ वह कहती आ कि जिहड़ी ये फ्रॉस्ट आ ये ब्लॉन्ड असैशन आ, भाव के बड़ी इंट्रस्टिंग जी चीज़ आ कि इस पोएम दे विच बहुत सारी परसोनीफिकेशन यूज़ की गई ने, बहुत सारे मैटाफर यूज़ किए गए हैं. हुण इहने जिहड़ी फ्रॉस्ट आ उहनूं ब्लॉन्ड असैशन कहा गा, ठीक है जी. तो पर जिहड़ा सूरज आ वह भी अनमूवड आ, द सन प्रोसीड्स अनमूवड, भाव के सूरज हर रोज़ चढ़ता ही चढ़ता गा. सूरज नू नहीं फर्क पैंदा कि किसी का कतल होया किसी का जन्म होया, सूरज नू इस चीज़ नाल कोई मतलब नहीं. सूरज ने हर रोज़ चढ़ना ही चढ़ना गा. द सन प्रोसीड्स अनमूवड, भाव के वह मूव नहीं हुंदा, वह हर रोज़ आउंदा गा. सो द डैथ ऑफ द फ्लावर
एंड द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द फ्रॉस्ट और डैथ इज़ नॉट स्ट्रेंज। तो इस करके जिहड़े लोगों का जन्म हुंदा गा जां फ्लावर की जिहड़ी डैथ हुंदी आ, मनुख की जिहड़ी डैथ हुंदी आ, ते जिहड़ी फ्रॉस्ट की डिस्ट्रक्टिव पावर आ, डिस्ट्रक्टिव पावर भाव खत्म करन की जिहड़ी पावर आ, वह कोई स्ट्रेंज नहीं हैगी, वो एक बड़ी ही नॉर्मल ते नैचुरल चीज़ आ जिहड़ी कि हुंदी रहिंदी आ, हर रोज़ चलदी, हर रोज़ किन्ने लोगों की जिहड़ी मौत हो जाती आ नैचुरली, किन्ने लोगों की जिहड़ी किन्ने लोगों का जन्म हो जाता गा। तो जिहड़ा इत्थे सूरज आ ना, सूरज इज द सन इज अ सिंबल ऑफ टाइम, सूरज इत्थे समय का सिंबल आ, भाव कि सूरज ने हर रोज़ आना ही आना गा, मूविंग ऑन विदाउट अ वरी फॉर एनीथिंग गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, उन्हें कोई फर्क नहीं पैंदा कि संसार दे विच की हो रहा गा, उन्हें हर रोज़ आना ही आना गा, दूसरे दिन नवे दिन नू लैके उन्हें हर रोज़ आना ही आना गा। तो इत्थे साडी ये पोएम खत्म हो जाती है। इस तो असी समझ सकते हैं कि जिहड़ी एमिली डिकिंसन दी दे थीम्स ने वो लगभग सारे थीम्स ही इस एक पोएम दे विच सानू मिल जाते हैं, कि किस तरह वो होप की गल करती है when she talks about sun, किस तरह वो डैथ की गल करती है when she talks about frost, किस तरह वो होप की गल करती है लाइफ की गल करती है when she talks about flower, है ना। तो ये पोएम आ जिहड़ी उन्हां दे जिहड़े वैरायटी ऑफ थीम्स ने वो सारे नू रीप्रजेंट करती है। सो दिस पोएम इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ हर मैटाफर्स, यूज ऑफ मैटाफर्स भी ये सारे हैगे आ, परसोनीफिकेशन किस तरह यूज़ होंगे ने वो भी सारे हैगे आ, बहुत शॉर्ट पोएम आ। आई होप के तुहानू समझ आ गई हो, तो इफ यू हैव एनी इनकुआरी तो तुसी सानू दस सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो, तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।